स्टार्ट करते हैं फटाफट से प्याज के भजिए, प्याज के पकोड़े बनाएंगे। इसलिए हमें प्याज को ऐसे लंबे तरीके से कट कर लेना है और फिर मैं इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करूँगी। मैं नमक थोड़ा सा और ऐड करूँगी। फिर हम ये हल्दी ले लेंगे, हल्दी ऐड करेंगे। हम ये बेसन डाल देंगे, इसमें थोड़ा ही बेसन डालना है ताकि ये एकदम बाहर जैसा मिलता है ना। ये देखिए मैंने थोड़ा सा अपने प्याज के हिसाब से बेसन डाला है। फिर इसे हाथों से अच्छे से, इसे मैं पानी नहीं डालूंगी इसमें, इसी में ऐसी ही मिक्स करना है। देखिए हम इसमें मिर्ची बाद में ऐड करेंगे, पहले मैं अच्छे से इसे ऐसे ही मिक्स करूंगी इस तरीके से। ये देखिए अभी मतलब थोड़ा सा और बेसन हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने और थोड़ा डाल दिया है, इसे और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पानी इसमें ऐड नहीं करना है हमें, क्योंकि ये देखिए इसी तरीके से ये इसमें मिक्स हो जाएगा। बस अभी हमें अच्छे से मिक्स करना है। बस अभी इसमें हम देखिए अभी ये इस तरीके से ऐसे इससे ऐसे चिपक जा रहा है, मतलब कि ये इतना ही काफ़ी है। और चने का आटा नहीं मिलाना है हमें, क्योंकि ये एकदम बाहर जैसा क्रिस्पी जैसा बनेगा। और इसमें हम दो हरी मिर्ची कट करेंगे और हरा धनिया थोड़ा सा डाल देंगे। सो अभी मैंने इसमें हरा धनिया और जो हरी मिर्ची है वो ऐड कर लिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। बस ये अब हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है प्याज के पकौड़ों का। अभी हम लोग आलू के भजिए का प्रिपरेशन करेंगे। ये मैंने आटा ले लिया है, चने का आटा 3 चम्मच। इसमें अभी हम लोग हल्दी पाउडर थोड़ा सा और थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 पिंच ना खाने का सोडा, मैं ये थोड़े से आलू लूँगी और इसको ऐसे पानी निकाल के ये बैटर में मैं डाल दूँगी। अभी मैं इसमें ये ऐसे डिप करूँगी अच्छे से इस तरीके से, और ऐसे थोड़ा करके फिर मैं इस ऑयल में डाल दूँगी। ऑयल हमें मीडियम गरम रखना है, ज़्यादा गरम भी ना हो ताकि हमारा आलू अच्छे से पक जाए मीडियम में। एक एक करके हम सारे डाल देंगे इस तरीके से। सो इस तरीके से मैंने इसको पलट लिया है और ये देखिए ये मैंने मीडियम फ्लेम पर ही पका रही हूँ मैं, और मैंने ऐसे सारे पलट लेना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से फूल रहे हैं ये, देखो इस तरीके से आलू जो है गल भी जाएंगे और अच्छे क्रिस्पी बनेंगे हमारे आलू के पकोड़े। अभी हल्के से गोल्डन होना शुरू हो गए तो मैं इसे निकाल लूँगी। ये देखिए अभी हमें इसे अच्छे से इसका ऑयल निकाल देना है छान के, और फिर हमारा जो आलू का पकौड़ा है वो रेडी हो जाएगा। अभी ये प्याज का भजिया हमें इस तरीके से पकड़ना है और इसी तरीके से हल्के हाथ से इसे छोड़ देना है ऑयल में, और इसी तरीके से मैं सारे इसी छोड़ते जाऊँगी ऑयल में। कुछ मिक्स नहीं करना है हमें, वापस से मिक्स मिलाना नहीं है इसे, बस इसे उठाना है और इसमें तेल में गरम ऑयल में इसे छोड़ देना है
अब इसे हल्के आँच पे से पलटना है, थोड़ा सा और होने देंगे हम, क्योंकि ये अब बीच में से हम इसको करेंगे ना तो ये टूट जाएगा, तो इसे अच्छा सा थोड़ा हल्का ब्राउन होने देंगे फिर इसे पलट लेंगे। अभी इसको मैं पलट लूँगी, देख सकते हैं आप कैसे हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया ये, अब ये नहीं टूटेगा, अब इसे पलट सकते हैं हम। फिर जो आवाज़ आ रही है अवॉइड करना वीडियो में। तो अब मैं ये देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है ये, तो अभी मैं इसको निकालूंगी क्योंकि हमें ज़्यादा नहीं करना है वरना ये कड़वा लगेगा, बस इसमें ही हमें निकाल लेना है, अच्छे से छान लेना है इसको और फिर सारे खट्टे निकाल लेना है। सो ये देखिए हमारे प्याज और आलू के जो पकोड़े हैं वो रेडी हो चुके हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अक्सर ये बहुत थोड़ा सा चीज़ें बनाए हैं, अक्सर हम बहुत ज़्यादा बनाते हैं लेकिन थोड़ा सा बनाए और अच्छा है। तो देखिए माशाल्लाह से सब हो गया है दस्तरखान हमारा, और अब हम दुआ मांग रहे हैं।